हे एवरी वन दिस इज़ मी सत्यांश शर्मा एंड वेलकम बैक टू माई चैनल और जोसा राउंड सिक्स का ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है मैंने आज तुम लोग को वो शेयर कर दिया है अगर तुमने वीडियो नहीं देखी देख सकते हो बट मैं अभी ऐसे ही बता देता हूँ आई हैव बीन अलॉटेड आई आई टी जम्मू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फाइनली ओके सो दैट द कॉलेज वेयर आई विल भी टेकिंग एडमिशन एंड इन दिस वीडियो आई हैव टेकन डाउट्स ऑफ सम ऑफ़ द स्टूडेंट दैट हैग्राम एज वेल एज टेलीग्राम ठीक है बेसिकली द डाउट इज ब कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमें एनसीआर टी से करने चाहिए बिकॉज हर कोई जेई में यह सोचता है कि यार एनसीआरटी थोड़ी रेलिवेंट कम है आई मीन मैथ्स के लिए अगर मैं बात करूं तो लोग सिंग एज के पीछे जाते हैं फिजिक्स में एच सी वर्मा सर के पीछे जाते हैं या केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में तो एनसीआर टी ओरियंटेड ही रहते हैं जो कि काफी हद तक सही है बट तीनों सब्जेक्ट में कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो हमें एनसीआर टी से करने चाहिए उसी के बारे में आप बात कर रहे होंगे तो स्टार्ट करते हैं यार वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बात करें यहां पे फिजिक्स की राइट तो फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर आता है आपके यूनिट्स डायमेंशन क्लास इलेवन का सबसे पहला चैप्टर है डायमेंशनल एनालिसिस भी कहते हैं कुछ लोग ठीक है फिजिक्स एंड मेजरमेंट के नाम से भी जाना जाता है एचसी वर्मा सर वाली बुक में ये चैप्टर एनसीईआरटी से करना बनता है क्यों क्योंकि जो डायमेंशनल एनालिसिस वाला पार्ट है ये डेफिनेटली पूछा जाएगा अगर तुम्हें जेई मेंस में दे देगा कि टाइम पीरियड ग्रेविटेशनल टाइम पीरियड जी पे डिपेंड कर रहा है राइट right? लेंथ पे डिपेंड कर रहा है एक रिलेशन दे दिया जाएगा तो वो डायमेंशनल एनालिसिस तुम्हें करके निकालना पड़ेगा कि ए बी सी की वैल्यू क्या होती है राइट तो एनसीआरटी में ऐसे कई सारे क्वेश्चन दिए फिर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स वाला जो आता है कि न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर ले ये सब दिया रहता है सेकेंड चैप्टर जो आता है वो फ्लूड्स एंड सॉलिड्स आता है राइट फ्लूड सॉलिड्स में मेन पार्ट जो रहता है वो तुम्हारा इलास्टिसिटी वाला रहता है इलास्टिसिटी की जो एडिशनल एक्सरसाइज है यहां मैंने लिख रखा है कि एडिशनल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट काफी ज़्यादा है important है यार ठीक डेफिनेटली करनी है इसकी कोई एक्सक्यूज नहीं है और इनफैक्ट इसी चैप्टर के लिए एन एल एम के एक्सरसाइज में तुम देखोगे वाले कई सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में तो उसको definitely attempt करो ठीक है हाँ वो क्वेश्चन बुक में भी मिल रहे होंगे बट अगर तुम नहीं खरीद पा रहे हो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो तो डेफिनेटली एनसीआरटी कर लो कोई दिक्कत की बात नहीं उसके बाद सीधा पीवाई की भी कर सकते हो फ्लूड्स एंड सॉलिड्स सारे याद कर लेना बर्नोली थ्योरम से लेके जो तुम्हारे टोरिसलिस थ्योरम है ठीक है एवन वो जो एरिया ऑफ क्वान्टिटी वाली इक्वेशन होती है फ्लूड्स में ये सब रहता है सॉलिड्स में क्या रहता है कि जो फॉर्मुलेज रहते हैं बल्क मॉड्युलस वाला फार्मूला हो गया ठीक है डेप्थ में जा रहे हैं बल्क मॉड्यूलर्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो सब हो गया वो सब देख लेना थर्ड बात करें यार मॉडर्न फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स में कई सारे चैप्टर आते हैं बेसिकली ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर हो गया सेकेंड एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया तुम्हारा थर्ड हो गया तुम्हारा न्यूक्लियस इन सब चैप्टर्स की थ्योरी एनसीईआरटी पे अच्छे से कवर कर लेना ठीक है इसका कोई एक्सक्यूज नहीं रहना इनफैक्ट प्रॉब्लम्स भी इसकी कर लेना फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस में आता है एक रिलेशन आर इक्वल टू आर नॉट ए टू दी पावर वन बाय थ्री उसका क्वेश्चन जेई मेंस में पूछ लेते हैं तो तुम्हें एनसीईआरटी की रीडिंग तो होनी चाहिए इतनी अगर स्कूल टीचर ने नोट्स नहीं लिखवाए वैसे कोचिंग टीचर्स तो लिखवा देंगे अगर स्कूल टीचर ने नहीं लिखवाए तो एनसीआर रीड करो उन उनपे डिपेंडेंट मत रहो इतने फिर इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम और सेमीकंडक्टर ये दोनों तो जे मेन एक्सक्लूसिव एक टॉपिक्स एक हैं एक इनसे तो क्वेश्चन एक आना ही आना गारंटीड है कम्युनिकेशन सिस्टम से मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि रेंज ऑफ टावर वाला क्वेश्चन जो आता है ट्रांसमिशन की रेंज निकालनी होती है या फिर एक एक टावर कितने एरिया कवर कर रहा है वो बताना होता है और जो सेमी कंडक्टर से इसमें तुम्हारे ट्रांजिस्टर के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं जंक्शन डायोड वगैरह थ्योरी थ्यूरी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो एनसीईआरटी में इसकी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो डेफिनेटली अटैम्प्ट करके जाना इसके अलावा इन चैप्टर्स के लिए तुम एन सी एग्जाम्पलर फॉलो कर सकते हो मैंने कई वीडियोज़ में ऑलरेडी बताया कि एन सी एग्जाम्पलर एक हिडन जेम है बेसिकली जेई के लिए फोर्थ बात करें तो हीट ट्रांसफर कार्नोट इंजन न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग हीट ट्रांसफर उतना इंपॉर्टेंट ना भी लगे तुम्हें बट कार्नोट इंजन और लॉ ऑफ कूलिंग इंपॉर्टेंट है फॉर लॉ ऑफ कूलिंग का एक क्वेश्चन तुम्हें बैक एक्सरसाइज में दिया हुआ है और वो क्वेश्चन जेई मेन्स का सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि अगर एक टेम्परेचर से लेके दूसरे टेम्परेचर तक बॉडी को कूल होने में फाइव मिनट्स लग रहा है तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर से एक और टेम्परेचर तक कूल होने में उसको कितना समय लगेगा ये एवरेज न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का जो फॉर्मूला होता है उससे निकाल सकते हो तुम सीधा डिवाइड करके तो वो एनसीआर उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कार्नॉट इंजन का फॉर्मूला रहता है एफिशियं का क्या रहता है 1 -T1 D2, 1 -T2 D1, जो भी रहता है पता होना चाहिए तुम्हें हीट ट्रांसफर में तुम्हें पता होना चाहिए पैरेलल में सीरीज में क्या रिलेशन बनता है थर्मल कंडक्टिविटी के बीच ठीक है वैसे तो वो तुम डायरेक्ट मैं बताऊं इसका तरीका आर को याद कर लो कि आ, रेजिस्टेंस क्या होती है उसके बाद बस करंट इलेक्ट्रिसिटी फॉलो करो ठीक है जिस सीरीज में लग रहा है तो आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू उसके बाद वन बाई के एल वन बाय ए वन ऐसे करके करो अपने आप रिलेशन निकल आ जाएगा इसमें रिलेशन याद करने की कोशिश मत करना ठीक है अनलेस एंटिल तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि आर वगैरह कैसे चल रहा है थोड़ा तुम्हें टेंथ क्लास में ऑलरेडी करेंट इलेक्ट्रिसिटी का आइडिया होगा तो उससे तुम पता कर सकते हो कि कैसे होगा बेसिकली थोरी के लिए डॉपलर इफेक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से पढ़ लेना बीट्स पढ़ लेना में डॉपलर इफेक्ट और बीट्स से ज्यादा एनसीईआरटी में एस सच कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं लिखी है और वैक्स का क्या होता है अगर वैक्स लगा दो तुम कैंडल वाला या फाइल कर दो किसी ट्यूनिंग फॉक को तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, या इंक्रीज होती है पता होना चाहिए तुम्हारा मेरा एक क्वेश्चन इसमें गलत हो गया था तो इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं केमिस्ट्री की बात करें केमिस्ट्री में तो देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सारे चैप्टर्स करने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होल होल्स तुम्हारे ब्लॉक केमिस्ट्री होगी एस पी डी एफ ब्लॉक मेटेलर्जी हो गया तुम्हारा और अगर मैं बात करूं डी ब्लॉक डी ब्लॉक मैंने बोल दिया मेटेलर्जी हो गया तो यही सब मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं क्लास ट्वेल्थ में है ना और उसमें तुम्हारे इलेवंथ में हाइड्रोजन वाला जैसे चैप्टर हो गया ये सब चैप्टर्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेन चैप्टर से इनको एनसीईआरटी से करके जाना है तुम्हें तो इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं मिल सकता सेकंड बात करें फिजिकल केमिस्ट्री में इसको रिलेट किया जाता है इस चैप्टर को बट एक तरीके से ये भी याद करने वाला चैप्टर है दैट इज सरफेस केमिस्ट्री फिर उसके बाद जो जेई मीन एक्सक्लूसिव टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री के फॉर एग्जाम्पल बायो मॉलिक्यूल्स हो गया पॉलीमर हो गया केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया ठीक है ये सब चैप्टर्स तुम्हें अच्छे से फॉलो करने चाहिए इनके क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही आते हैं अब इस बार तो शायद बायो मॉलिक्यूल्स में एक स्ट्रक्चर भी पूछ लिया था वो जो ए जी सी टी या ए जी सी ओ रहता है राइट एजीन ग्यूनानिन टायरोसिन यूरेसिल जो भी रहता है यूरेसिल का स्ट्रक्चर पूछ लिया गया था जेईमी में तो ये तुम्हें मालूम होना चाहिए फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इसमें एसिड रेन वगैरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं और बीओडी दे देंगे पूछेंगे ये वाटर क्लीन है या इम्प्योर है क्या है जो भी है इनवायरमेंटल केमिस्ट्री वैसा ही है तो आ, फिर बात करें मैथमेटिक्स की तो मैथमेटिक्स में जनरली ये सजेस्ट करता हूं कि एनसीआरटी स्किप भी कर सकते हो अगर बेसिक्स क्लियर है तुम डायरेक्ट सिंगेज पे मूव ऑन कर सकते हो मैंने खुद एनसीआरटी स्किप की थी सिंगेज पे मूव ऑन किया था बीच में लेकिन आर डी शर्मा सब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट कर लिए थे ठीक है तो इसमें कुछ चैप्टर्स लेकिन होते हैं जो हमें एनसीआर से करने चाहिए फॉर एग्जाम्पल वक्टर थ्री डी वक्टर के जितने भी क्वेश्चन रहते हैं जितने भी फॉर्मुले हैं वो सारे एनसीआर में दे रखे हैं एंगल जो होते हैं स्ट्रेट लाइन और प्लेन के बीच का इक्वेशन ऑफ लाइन रहती है तीन पॉइंट uh, से जो पास कर रही होती है तो ये सब इक्वेशन दे रखी है फैमिली ऑफ प्लेन्स वगैरह ये सब दिया हुआ है एनसीईआरटी से पढ़ना है इसको चैप्टर को जरूर सेकंड जे मेन्स एक्सक्लूसिव टॉपिक है दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग प्लस स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल जेई मेन में दो क्वेश्चन इससे आते हैं क्यों क्योंकि एक जो इंटीजर वाला पार्ट रहता है उसमें भी क्वेश्चन आ जाता है या एक जो ऑब्जेक्टिव रहता है उसमें आ जाता है तो ओवरऑल दो क्वेश्चन आ जाते हैं ये एनसीआरटी से करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब इसमें ऐसा नहीं तुम्हें एनसीआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा डेटा बदल देंगे तुम्हें कैलकुलेशन खुद ही करनी पड़ेगी ये चैप्टर लेंदी हो जाता है थोड़ा कैलकुलेट कैलकुलेटिव हो जाता है वहां पे जब इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे मैथमेटिकल रीजनिंग में ट्रूथ टेबल वगैरह याद रखो कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्रापोजिटिव कन्वर्स ये सब याद होना चाहिए तुम्हें ठीक है ये इन्हीं सब पे जनरली क्वेश्चन रहते हैं फोर्थ प्रोबेबिलिटी अब तुम कहोगे भैया प्रोबेबिलिटी तो एक टफ चैप्टर है ये तो हमें समझ ही नहीं आता तो प्रोबेबिलिटी में मैं सारे टॉपिक्स नहीं कह रहा हूँ इलेवंथ की प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी में स्किप कर सकते हो तुम ठीक है लेकिन ट्वेल्थ की प्रोबेबिलिटी में टोटल प्रोबेबिलिटी प्लस बेस थ्योरम ठीक है बेस थ्योरम या रिवर्स प्रोबेबिलिटी जो भी है इनको जरूर देख लेना इन बेस थ्योरम के काफी कॉमन क्वेश्चन एन में दे रखे हैं जो कि जेई मेन्स में ऑलरेडी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में राइट एंड बिफोर मूविंग ऑन अगर तुम्हें इन चैप्टर्स की एक अच्छी टेस्ट सीरीज चाहिए इन चैप्टर्स के फ्री टेस्ट आ, फ्री नहीं आई I मीन mean इन चैप्टर्स के कोई टेस्ट सीरीज चाहिए जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट भी हो पार्ट वाइज टेस्ट हो फुल टेस्ट हो तो मैथॉन गो ने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है उसको तुम परचेज कर सकते हो इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट टॉपिक वाइज टेस्ट पार्ट टेस्ट सब कुछ है सारे टेस्ट के तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन मिल रहे होंगे 15 पेज डिटेल्ड एनालिसिस मिल रहा होगा तुम्हें एंड इनफैक्ट जिनके जई मेंस 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 नाइन परसेंट आई लाएंगे उनको 100 परसेंट मनी बैक मिल रहा होगा बाकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो फाइनली आई वुड लाइक टू से स्टे हैप्पी पढ़ाई एकदम चिल तरीके से करते रहो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जो भी करोगे तुम्हारे साथ अच्छा होगा सो दैट्स इट आई होप यू लाइक द वीडियो थैंक यू